हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है जुपिटर स्कूटर। या जो कि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए जैसे कि साइड स्टैंड में से इंजन में से साउंड आता है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा किस चीज़ का साउंड है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आपको BS6 स्कूटर में भी आ सकती है, लेकिन ये मेरे पास BS4 है, लेकिन आपके पास BS6 में भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ठीक है। पहले मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल ओके हमारी स्कूटर, हमें इसे साइड स्टैंड पे लगा के आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और साइड स्टैंड पे लगाई और यहाँ पर ये साउंड आप सुन सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो वैसे तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, के कवर को आपको ओपन करना है अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है। मैंने सभी नट ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ एक बात, जो कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि हर एक वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। इसमें BS4 BS6 की नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये प्रॉपर हमारे ठीक है सब कुछ, सिर्फ हमें इसकी सल्फ़ की कुकी बोल सकते हो या रैचड़ बोल सकते हो, जो आप बोलते हो, ठीक है। तो इसे हमें ओपन करना है, रैचड़ को हमें ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुकी बोल सकते हो आप, कई भाई कुकी बोलते हैं, कोई भाई सल्फ का रैचड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन करना है। यहाँ पर पेचकस का स्क्रू मिलेगा आपको, 10 नंबर की चूड़ी मिलेंगी, उस पर इस तरह से आपको ओपन कर लेना, ठीक है। इस तरह से ओपन करने के बाद आपको रैचेट का वो कवर है उसको निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ चीज़ रगड़ के चल रही है, जो कि आपको मैं बताऊँगा क्या चीज़ रगड़ के चल रही है, जो साइड स्टैंड से लगकर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, कस्टम जिससे भाई ने चेक कराया उसमें प्रॉब्लम दिखाई, यहाँ पर देख सकते हो उसने 2 बार सेलें डाल दी, जो कि मुझे पता है भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 बार सेल डाली हुई है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मैं चीज़ सभी को खोल लेता हूँ, सभी यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ खोल लिया मैंने। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी प्रॉब्लम इस रैचड़ में है, ठीक है, या कुगी बोल सकते हो, रैचड़ बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें है, जो कि आपको बताता हूँ कहाँ पर रगड़ के चल रही थी जब हम साइड स्टैंड लगाते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये है पंखा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो टच होकर चल रही थी हमारी जब साइड स्टैंड लगाते तो ये बाहर को निकल के आ जाती, जिससे कि यहाँ पर टच होती, ठीक है। तो इसको भी मैं प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है भाई। अब आप चले जाओ वापस के भाई समझ में आ गया भाई, जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या थी इस रैचड़ में, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम ए थी, देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही बाहर निकल रहा है, जैसे नीचे करते हैं वैसे निकल आता है, वैसे ऊपर करते हैं वैसे ही डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी स्कूटर में, जो कि इसका स्प्रिंग ख़राब हो चुका है, ठीक है। ठीक करने को मैं इसे भी ठीक कर दूँगा, लेकिन इसमें नवा डालूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको इस रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलेगी, ख़राब हो जाएगा तभी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं आपको दूसरा रैचड़ दिखाता हूँ जिसमें डालना मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा रैचड़ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्प्रिंग ओके है। यहाँ पर देखो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन आपके सामने है, जो कि आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ओके है, तो उसमें डालते हैं नवा, फिर आपको स्कूटी स्टार्ट करके दिखाता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम आती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल लिया, मैं स्कूटरी को स्टार्ट करके आपको मैं चेक करा के दिखाता हूँ कि साउंड आती है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारी स्कूटरी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, कोई साउंड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको साइड स्टैंड पे आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी साउंड,